मैंने ऑर्डर किया है माइक्रोफोन फाइनली, और आई थिंक इसके बाद जो आवाज़ होने वाली है वीडियोस वगैरह की वो होपफुली बेटर होगी जो कि अभी के हिसाब से है। अगेन ब्लू येटी मैं देख रहा था, लेकिन उसके जो रिव्यूज़ हैं वो इतने जो स्पेशली इंडोनेशिया में हैं तो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। सिर्फ दो तीन ही रिव्यूज़ थे एक्चुअली, जो जितने भी सेलर्स वगैरह थे उसके सिर्फ दो तीन रिव्यूज़ थे, जिससे पता लग रहा था कि ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे ब्लू येटी नहीं लेते हैं। तो ये कुछ साउंड टेक करके था जिसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा थे और जो प्राइस भी इसका बहुत कम था, यानी कि जो ब्लू येटी है वो था कम से कम 20,000 रुपये के आसपास का, जबकि इंडिया में आई थिंक वो 12 से 13 हज़ार का दिखा रहा था अमेज़ॉन पे। और ये जो साउंड टेक है ये सिर्फ और सिर्फ है 2,500 रुपये, 2 से 2,500 रुपये के आसपास, आई थिंक 2,000 के आसपास है। तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कैसा है और फिर साउंड कंपेरिजन करेंगे। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ वाटर बॉटल के ऊपर। ओके, जस्ट गोइंग टू कीप इट हियर। अभी तक मोस्टली जो मैं वीडियोस बनाता था वो उसका जो ऑडियो रिकॉर्ड करता था बेसिकली अपने फ़ोन से करता था, दिस इज़ द वन। और स्पेशली जो अगर आप देखोगे मैंने बीच में ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाने शुरू किए थे तो उसकी जो क्वालिटी थी, जो ट्यूटोरियल्स वगैरह की क्वालिटी थी वो ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, जबकि ऑनलाइन अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ऑडियो क्वालिटी ही है। और स्पेशली जब आप जो है ट्यूटोरियल्स वगैरह बना रहे हो जिसमें आप कुछ टेक्निकल चीज़ें सिखा रहे हो तो उसमें फेस वैसे भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। कैमरा एक्चुअली गिर गया था नीचे बॉटल पे रखने की वजह से। तो मैं बोला था कि हाँ उस चीज़ों में फेस इतना मायने नहीं रखता, लेकिन जो आपकी ऑडियो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार कहाँ मैं इन सब चक्करों में पढ़ूँ, ख़रीदने वगैरह जाऊँ, क्योंकि वैसे भी मेरे को इतना कुछ नहीं था, इतना कुछ रिस्पॉन्स आएगा सही। और इसलिए मैंने थोड़ा बहुत जो है अपनी टेस्टिंग के लिए बस, या बोल सकते हो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मैंने उस टाइम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं था कि हाँ यार एटलीस्ट जो मुझे आता है वो मैं शेयर करूं। अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी बनी भी होती हैं सेम टेक्नोलॉजी पे जो आप बनाने का सोच रहे होते हो, लेकिन फिर आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार हर किसी के समझाने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो हो सकता है जो वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हो उससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, और आप जो है उन लोगों को टारगेट कर सकते हो यानी समझा सकते हो। तो ये ऐसा लग रहा है अभी इसको ओपन करने के बाद। साउंड टेक, आई डोंट नो ये इंडिया में मिलता है कि नहीं, लेकिन भाई यहाँ इतने कम दाम में मेरे को मिला, एकदम मज़ा आ गया। क्योंकि मेरा यार व्लॉगिंग वगैरह के लिए मेरा बजट बिल्कुल ज़ीरो है, ये सिर्फ मैं टाइम पास के लिए करता हूँ। और इसी बहाने दो चार लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं और जो है टाइम अच्छा पास हो जाता है, स्पेशली लॉकडाउन चल रहा है आपको पता ही होगा, कुछ ज़्यादा होता नहीं है टाइम पास करने के लिए, बाहर आप जा नहीं सकते हो, ज़्यादा जा सकते हो लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जा सकते, तो कुछ ऐसा लग रहा है। ये आई थिंक बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा, काइंड ऑफ पॉप फिल्टर टाइप का होता ही है, नॉट श्योर अगर मैं करेक्ट हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ जितना मैंने एटलीस्ट रिसर्च किया उसके हिसाब से ये पॉप फिल्टर होता है, स्पेशली जो इंग्लिश में आप फ साउंड ट साउंड लाइक टैंगो फाफा इस टाइप के जो साउंड वगैरह बोलते हो उसके लिए यूज़ होते हैं। अंग्रेज़ों को इसकी ज़रूरत है यार, हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। ये पॉपअप साउंड है वो आई डोंट नो वो किस लिए होता है, मेरे को अभी पता नहीं, अभी और रिसर्च करना पड़ेगा। बहुत से लोग कमेंट में गालियां देते हैं, नूब है ये है वो है सो फनी। ओके, तो ये बेसिकली इसको सीधा हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं माइक्रोफोन से, और सीधा जो है यूएसबी यानी कि लैपटॉप में मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। इसको वापस मैं यहाँ रख रहा हूँ बॉटल पे। तो इसको मैं बता रहा था कि इसको हम जो है माइक में, और उसके बाद जो माइक से सीधा लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं।
तो यानी कि वो ऐसा नहीं है कि मैंने रिकॉर्ड यहाँ किया फिर मेरे को बाद में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वो सब झंझट नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। बस यार ऐसा चाहिए था कि इजीली सब कुछ हो जाए, ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े, टाइम बचे। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी सेटअप करने में बाद में, एंड दिस इज द वन साउंड टेक। तो आई थिंक आने वाले वीडियोस में जब भी आप मेरी आवाज़ सुनोगे तो इससे सुनोगे। वाह जैक बहुत अच्छा है यार। ओके लुक्स गुड। सेटअप तो मैं बाद में करूंगा इसका। उसके अलावा ये जो है सिर्फ स्टैंड है, ठीक है। तो इसको सेट कर सकता हूँ मैं, इसको टेबल वगैरह में लगा के मैं सेट कर सकता हूँ, जो भी करना है जैसे भी करना है मुझे। अगेन बेस्ड ऑन कहाँ मैं बैठूंगा, कहाँ से रिकॉर्ड करूँगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये भाई उसके इसको कनेक्ट वगैरह करने के लिए चीज़ें, तो बेसिकली यही सब चीज़ें हैं इसमें। और इसको यार चला के देखना है पहले, लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं इसको। तो ये मैंने एक यूएसबी हब खरीदा था, ये वाला, तो इसी में मैं इसको लगाने वाला हूँ। उसके बाद देखते हैं कि लैपटॉप इसको डिटेक्ट करता है कि नहीं। ओके सो दैट्स इट गाइस, मैंने बस कनेक्ट करके चेक कर लिया तो चल रहा है। बाकी की जो चीज़ें हैं अगले वीडियो जब बनाऊंगा उसमें देखेंगे कि जो साउंड क्वालिटी वगैरह है उसमें कितना डिफरेंस आता है। और जो फाइनली ठीक ठाक सा सेटअप हो गया है, इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया है। क्या तो ये हैंडल था, हैंडल को यहाँ पे सेट कर दिया, और यहाँ पे मैं बैठता हूँ तो मेरे बैठने के पोजीशन के हिसाब से तो आई थिंक दिस इज़ गुड। और यहाँ से आई मीन जो डिस्टेंस है वो लगभग इतना ही होना चाहिए था, तो आई थिंक इट इज़ परफेक्टली सेटअप। अब देखते हैं जो आने वाली वीडियोज होगी वो कैसी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।